हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। गाइज, यहाँ पे जैसा आपको थंबनेल दिख रहा होगा, एनआईटी कालीकट रिक्रूटमेंट। क्या है ये एनआईटी कालीकट का रिक्रूटमेंट, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपसे अभी बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइज, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट हैं और किस तरीके की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ, जहां पर हम विजिट करने वाले हैं एनआईटी कालीकट के ऑफिशियल वेबसाइट को और देखेंगे कि किस तरीके का पोस्ट वहां पर रखा गया है। ठीक है, चलिए हम यहां पर चलेंगे एनआईटी कालीकट में हम यहां पर देखेंगे कौन कौन से पोस्ट हैं और किस में कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले हमारे पास एनआईटी कालीकट, ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट एनआईटी कालीकट का। इसके बाद हम चलेंगे यहां से डायरेक्टली आपके रिक्रूटमेंट पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम यहां से चलेंगे रिक्रूटमेंट पे। ठीक है, रिक्रूटमेंट पे यहां देखिए नॉन फैकल्टी रिक्रूटमेंट अगर आप यहां पर देखिएगा तो एक शॉर्ट नोटिस दिया गया है यहां पर। अब यहां पे नॉन फैकल्टी पोस्ट के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट यहां पर मेंशन किए गए हैं, देख सकते हो आप। डेप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डेप्यूटी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, मेडिकल ऑफिसर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर या सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट, एसएएस असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर टेक्नीशियन, टेक्नीशियन, ऑफिस अटेंडेंट एंड लैब अटेंडेंट। ठीक है, सबके पोस्ट के सामने डेट लिखा हुआ है, सितंबर 15 तक सबका लास्ट डेट रखा हुआ है। ठीक है, सितंबर 15 तक सभी पोस्ट का लास्ट डेट मेंशन किया गया, किसी का 12 है, किसी का 10 है, किसी का 13 है, किसी का 15 है, किसी का 14 तारीख का है। ठीक है, अब एक एक करके सारे पोस्ट को जब आप देखेंगे तो शुरुआत हम करते हैं जो आपके लेवल का पोस्ट है, बाकी एक्सपीरियंस पोस्ट को हम यहां पर नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे टेक्निकल असिस्टेंट पे। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट को हम यहां पर देखेंगे। टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट अगर आप देखिएगा तो यहां पर मेंशन किया गया, ध्यान से देखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट के लिए ग्रुप बी का टेक्निकल असिस्टेंट में पे लेवल 6 रहेगा एज पर द 7 सीपीसी, 30 इयर्स मैक्सिमम एज रखा गया, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 20 है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। 18 अगस्त से इसका रिक्रूटमेंट का एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, 30 सितंबर लास्ट डेट रखा गया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट क्लास आपका बीई बीटेक या एमसीए होना चाहिए, या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर आपका फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री साइंस होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री साइंस होना चाहिए। तो ये आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया गया। जैसे ही आप यहां पे बैक में जाएंगे, वापस से जब आप रिक्रूटमेंट रूल्स पे आएंगे तो यहां पर रिक्रूटमेंट रूल्स की अगर हम बात करें, जस्ट वन मिनट, रिक्रूटमेंट रूल्स में आपको बताया गया है कि कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, इन्हीं सारी चीजों के बारे में आपसे बात किया गया है यहां पर। ठीक है, इन्हीं सारी चीजों के बारे में आपसे बात किया गया है। तो ये बात हो गई हमारा टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में। सेम अगर आप दूसरे पोस्ट की तरफ चलेंगे, टेक्निकल असिस्टेंट के बाद आता है आपका सीनियर असिस्टेंट। ध्यान से देखिएगा, जो आप लोग इलिजिबल है, जहां पर मैं सिर्फ उस पोस्ट को ओपन कर रहा हूं, आप यहां पर देख सकते हो कि अगर आप नोटिफिकेशन में अगर आप जाएंगे सीनियर असिस्टेंट के, तो सीनियर असिस्टेंट में अगर आप देखिएगा, ठीक है, सीनियर असिस्टेंट में अगर आप देखेंगे, सीनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपको अलग से यहां पर रखा जा चुका है एक नोटिफिकेशन। ध्यान से देखिएगा, यहां पर मेंशन किया गया सीनियर असिस्टेंट का लेवल 4 रहेगा, 18-33 इयर्स रखा गया है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10 है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स का अलग से 4 रखा है, फाइनेंस अकाउंट्स के 4 होंगे, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में 6 होंगे, रिक्रूटमेंट डायरेक्ट है, 8 अगस्त से एप्लीकेशन स्टार्ट है, और यहां पर अगर आप देखिएगा तो अप्लाई करने का 8 सितंबर लास्ट डेट रखा गया। एसेंशियल क्या है, 10+2 होना चाहिए, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग अगर आप देखेंगे तो मिनिमम टाइपिंग स्पीड 35 होना चाहिए। डिजायरेबल क्या है, कंप्यूटर स्किल्स या बैचलर डिग्री यहां पे डिजायरेबल है, बट यहां पे 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आता है बैचलर डिग्री कॉमर्स हो, अकाउंटेंसी हो, प्रोफिशिएंसी इन टैली हो, तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर रहेगा। चलिए वैसे ही जब आप नेक्स्ट अगर जाएंगे, आप नेक्स्ट पोस्ट पे जाएंगे तो नेक्स्ट पोस्ट आपके लिए आ जाता है जूनियर असिस्टेंट का। नेक्स्ट पोस्ट जो है आपका, ये है आपका जूनियर असिस्टेंट का, ये देख सकते हो आप। यहां भी अगर आप देखिएगा तो नोटिफिकेशन में मेंशन किया जा चुका है, जस्ट वन मिनट,
यहां पर भी आपको टर्म्स एंड यूज करने का बता दिया जा चुका है कि किस तरीके से आप पे करेंगे, इन सभी चीजों के बारे में बताया गया है नोटिफिकेशन में। तो गाइज मेरा सिर्फ ये पर्पस था कि आप लोगों को बता दिया जाए कौन कौन से पोस्ट हैं। तो जो ओपन कैटेगरी में है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, उसमें ध्यान रखिएगा आप किस पोस्ट पे एलिजिबल हैं। 12th से लेकर के ग्रेजुएशन तक का यहां पर आपका क्राइटेरिया रखा गया है एजुकेशन का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टाइपिंग रखा गया असिस्टेंट के, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग है आपके असिस्टेंट वाले पोस्ट में, ठीक है। साथ ही साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने 12th से ग्रेजुएशन बता दिया है ऑलरेडी आपको। इसके अलावा कौन कौन से पोस्ट पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं 12th डिप्लोमा और ग्रेजुएट वाले, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट का, इसके अलावा सीनियर असिस्टेंट का, जूनियर असिस्टेंट का, सीनियर टेक्नीशियन का, टेक्नीशियन का, उसके बाद ऑफिस अटेंडेंट और लैब अटेंडेंट। ध्यान दीजिएगा ये सारे पोस्ट जो हैं ओपन कैटेगरी के हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के हैं। तो आप लोग अगर आपको लगता है कि 12th वगैरह आपका साइंस वगैरह स्ट्रीम से है, जहां भी टेक्निकल चीजें आएंगी वहां पे बीटेक डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग को ही मान्यता दी जाएगी। इसके अलावा जहां पर सिंपल ग्रेजुएट मांगेगा वहां पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में सिंपल ग्रेजुएट वाले ही अप्लाई करेंगे। अच्छी खासी पोस्ट है गाइस, अप्रॉक्स 100 के आसपास पोस्ट है। अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब आपको लेना है तो यहां से आप इस पोस्ट के थ्रू जा सकते हैं, क्लियर रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट जैसे ही वीडियो चैनल पे अवेलेबल होगा मैं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मेंशन कर दूंगा कि किस किस पोस्ट को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा जैसे ही वीडियो चैनल पे अवेलेबल होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर विजिट कीजिएगा, देखिएगा कि वहां पर क्या क्या चीजें रखी गई हैं। ओके तो ये था आज का NIT कालीकट का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट नए अपडेट के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइज थैंक यू सो मच।